Hey, welcome back. I am Nirmal Yadav, motivational speaker and life coach. Friends, आज मैं एक बुक पढ़ रहा था। उस बुक में मेरे को ये समझ में आया कि आज हम सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, बट क्या हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है? आज हर व्यक्ति मेहनत करने में लगा हुआ है, पैसा कमाना हर कोई जानता है, लेकिन सेव करना नहीं जानता, बचत करना नहीं जानता है, और उससे पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए ये व्यक्ति को कहीं नहीं सिखाया जाता है। हम सबके लाइफ में दो चीज होता है, एक असेट होता है और दूसरी लाइबिलिटी होती है। तो आप अपने लाइफ में असेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है पहले चेक करो। अब असेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? असेट वो चीज होता है जिससे आपको अर्निंग होती है, यानी कि आपने कोई पूंजी बना रखी है, यानी आपने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी बना रखी है जिसका रिकरिंग हर महीने आपको उससे कुछ अमाउंट मिल रहा है, ये हो गया आपका असेट। लाइबिलिटी क्या है? आज मध्यम वर्गीय परिवार क्या कर रहा है? सबसे पहले वो अपने इनकम का स्पेंड जो है लाइबिलिटी पे कर रहे हैं। हम इनकम तो कमा रहे हैं लेकिन हम असेट क्रिएट नहीं कर पा रहे, यानी कि जो हमारा इनकम है उससे हम ज्यादा से ज्यादा लाइबिलिटी पे खर्च कर रहे हैं। जबकि जरूरत क्या है कि आज हमें समय रहते कुछ ऐसा असेट बना लेना है जिससे कि वो हमारे लिए अर्निंग चालू कर दे। और जब आपका असेट आपके लिए अर्निंग चालू कर देगा तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री होते जाओगे। आपके पास समझो बड़ी सी गाड़ी है, तो अब आप उसको या तो आप कहीं जाते हो तो लेके जाते हो, वरना वो ऐसे ही रखी रहती। तो आपको क्या करना है कि अगर महंगी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है, कैसी भी है, उसको रेंट पे देना शुरू कर। उससे क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी का कीमत है वो 2 साल में वसूल हो जाएगा। ऐसे करके आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उससे आप इनकम कमा सकते हो। तो फोकस कहाँ करना है कि आपको एज पर इनकम असेट क्रिएट करने पे फोकस करना है, ना कि लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी क्या है कि आज आपने लिया, समझो आपने बड़ी गाड़ी लिया आज, और आज ही रोड पर लेके आ गए, और रोड पर लाते से ही आपके उस गाड़ी की वैल्यू 25% से रिड्यूस हो जाती है। ये है लाइबिलिटी। आप जितना भी लाइफ स्टाइल पे खर्चा कर दो उसको छोड़ के बाकी की जितनी चीजें हैं जिससे आपको अर्निंग नहीं आने वाला है वो आपके लाइफ के लिए लाइबिलिटी है। तो एज मच योर लाइबिलिटी एज मोर यू हैव टू वर्क। जितनी ज्यादा आपकी लाइबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके जगह पे अगर आपने इनकम में से एक असेट क्रिएट करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वो असेट आपके लिए कमाने लगेगा। और जब ऐसा असेट क्रिएट कर लोगे तब आपको फिजिकली काम करने की जरूरत नहीं होती। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जिसके लिए आपको खुद का टाइम देना पड़ता है, खुद का एफर्ट लगाना पड़ता है, और पैसिव इनकम वो होता है जिसके लिए आपको पर्सनली वहां पे अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया और वो सिस्टम आपको अर्निंग दे रहा है। तो मेरा यही सलाह है कि आज के दुनिया में सबसे ज्यादा फोकस करना है तो वो है पैसिव इनकम जनरेट करने पर। वो पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो वो आपके स्किल आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप हर एक जगह पे पैसिव इनकम जनरेट करने का साधन जुटा सकते हो। आज हर चीज उपलब्ध है, जरूरत है अपने अंदर से डिग करने की, खोदने की, निकालने की जरूरत है कि मेरे अंदर में क्या टैलेंट है, मेरे अंदर में क्या नॉलेज है, मेरे पास क्या ऐसा है जिसका यूज करके मैं एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाऊं। और जिस दिन आप पैसिव इनकम जनरेट करने में कामयाब हो गए उस दिन से आपके एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंसी कम होती जाएगी और एक दिन आप फाइनेंशियली फ्री होते जाओगे। तो दोस्त मेरा यही सलाह है कि आप लाइबिलिटी पे फोकस ना करें, क्योंकि लाइबिलिटी हर साल उसके एक्चुअल प्राइस से रिड्यूस होते जाता है, जबकि जो आपका असेट है वो हर साल आपको रिकरिंग इनकम देता है जिससे आपको फिजिकली ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा यही सलाह है कि आप इनकम जनरेटिंग असेट पे फोकस कीजिए ताकि वो आपके लिए अर्न कर सके। दोस्तों सुझाव अगर अच्छा लगा होगा तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल इलिटरेसी है,
फाइनेंस के बारे में कहीं पे हमको सिखाया नहीं जाता। कुछ गिने चुने संस्थान है, कुछ गिने चुने जगह पे ही है कि लोगों को फाइनेंस की पढ़ाई कराई जाती है, फाइनेंस की शिक्षा दी जाती है। नहीं तो करोड़ों और वो लोग हैं, उनको फाइनेंस की कुछ भी नॉलेज नहीं है। वे इनकम तो कमाते हैं बट असेट जनरेशन पे उनका बिलीव नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता है कि असेट जनरेशन होता क्या है। तो दोस्त, अगर आपको भी ये पता नहीं है तो जाइए सर्च कीजिए कि मेरे को इनकम जनरेटिंग असेट कौन कौन सा है, कहां पे इन्वेस्ट किया तो मेरे को रिकरिंग इनकम चालू हो जाएगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी सुझाव या कुछ भी हेल्प चाहिए तो फील फ्री मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या परेशानी आ रही है। तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।